सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बस 5 बजे यहाँ दोहरा हत्याकांड हुआ, क्या है मामला और क्या क्या घटना हुई? पृथ्वीराज यादव के दो लड़के धीरेन्द्र और जितेंद्र खेत से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। जब यहाँ कपिल संजय के घर के सामने आए तो वहाँ पर इन लोगों कपिल और संजय से इनका कुछ बातचीत होने लगी, वहाँ विवाद हुआ और इन लोगों ने उनसे मुख पर फायर कर दिया। उसमें जितेंद्र को गोली लगी और धीरेन्द्र को भी लगी, जितेंद्र की डेथ हो गई। घटना सुनकर पृथ्वीराज भी अपने घर से भागे इधर की तरफ घटनास्थल की तरफ, तो पृथ्वीराज को भी गोली मार दी। पृथ्वीराज और जितेंद्र की डेथ हो गई है, धीरेन्द्र का इलाज चल रहा है, उन्हें झांसी रेफर किया गया है। क्या मामला पुरानी रंजिश से संबंधित? इसमें जो पता चल रहा है कि एक घटना हुई थी धारा 307 की, जिसमें जितेंद्र और दूसरे पक्ष के मुलजिम पक्ष के भी संजय कपिल और कपिल की माँ और पिता तथा दूसरे पक्ष जो मृतक पक्ष के जितेंद्र, चार लोग जेल गए थे 307 में। तो इसमें था कि मुकदमे का खर्च जो है, एक तरफ से 3 लोग थे, एक तरफ से 1 लोग, और इनके का पृथ्वीराज का ही विवाद था मेन, जिसमें दोस्ती के नाते कपिल वगैरह शामिल हो गए थे। इनके खर्चे का भी तो विवाद चल रहा था कि मुकदमे का खर्चा हमें चाहिए, तुम्हारे चार कारण हम लोग 3 लोग फंस गए, तुम अकेले फंसे। ये जो अभी तक जो गाँव वालों के द्वारा बताया जा रहा है, ये बात आ रही है। घर वालों से पूछताछ होगी, जो घायल से उससे पूछताछ होगी तो पता चलेगा। क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त? अभी कोई आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, सब फरार हैं, इसमें तलाश की जा रही है इनकी। ये दोनों पहले साथी ही थे, अब आज कोई बात हुई घटना इसी लिए। उम्र कितनी है तुम्हारी? चोट कैसे लगी? कुछ पैर लगे, पैर लगे जी। फिर संजय राम सेवक बल्ला चतुर्दी। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे 3-4-5 लोग थे, 6। गोलियाँ किस किस को लगी हैं? गुंड गलता बहुत तेज गोली, गोली 3 लोग। कौन कौन? पापा, भैया, हम, पृथ्वीराज और तुम्हारे भाई का नाम? जितेंद्र यादव। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।